नमस्कार दोस्तों, इन्फो विजन मीडिया में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि स्टॉक या फॉरेक्स मार्केट हुआ है या बिजनेस है। एक्चुअली ये मेरे कई कलीग्स हैं, उनका एक क्वेश्चन हमेशा रहता है या वो हमसे कहते हैं कि स्टॉक मार्केट तो एक जुआ है, मतलब गैम्बलिंग है। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूंगा हाँ बिल्कुल है, जुआ ही तो है। लेकिन जुआ कैसे? अगर जुआ है तो आजकल कितने लोग घर बैठे स्टॉक या फॉरेक्स मार्केट से कमा रहे हैं। कई लोग तो काफी कम उम्र के हैं जिन्होंने अभी से अपना कैरियर फॉरेक्स स्टॉक मार्केट में बनाया है। जी हाँ, एक्चुअली दोनों ही बातें सही हैं। ये वो फैक्ट है जो दुनिया के सभी बिजनेस या जॉब्स में काम करता है। जैसे दुनिया में कोई भी काम ना समझी या बिना ट्रेनिंग के किया जाए तो उसमें नुकसान होना तय है। हर काम को करने का एक तरीका होता है, हर काम में कुशलता या परफेक्शन होना जरूरी है। यही फैक्ट फॉरेक्स और स्टॉक मार्केट पर भी अप्लाई होता है। फॉरेक्स या स्टॉक मार्केट में नुकसान सिर्फ वो लोग खाते हैं जो बिना रिसर्च एंड एनालिसिस के इन्वेस्ट करते हैं। जैसे किसी दूसरे पर्सन ने आपसे कह दिया कि यहाँ इन्वेस्ट कर दीजिए, टीवी पर देख लिया कि मतलब कोई ऐड देखा या एक न्यूज़ देखी टीवी पर कि, और उसको देखकर इन्वेस्ट कर दिया, और मतलब कि खुद कुछ रिसर्च या एनालिसिस किया ही नहीं, बस सुना और पैसा इन्वेस्ट कर दिया। ऐसे में नुकसान होना तय है। स्टॉक मार्केट या फॉरेक्स मार्केट में सक्सेस का मूल मंत्र है कि सीखिए और खुद से करिए। सिंपल थ्री प्रोसेस फॉलो करने होते हैं। पहला पढ़ाई, दूसरा है प्रैक्टिस और तीसरा है इम्प्लीमेंटेशन, मतलब काम करना है। मतलब कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है, पहले आपको बढ़िया से सीखना है, अपने आप को परफेक्ट बनाना है। जब आपको लगे कि आप सीख चुके हैं तब डेमो अकाउंट पर प्रैक्टिस करनी है, मतलब तब भी आपको काम स्टार्ट नहीं करना है, पहले डेमो अकाउंट पे उसको प्रैक्टिस करना है। जब आप डेमो अकाउंट पर बढ़िया से प्रॉफिट निकालने लगे तब आप रियल मनी लगाकर काम शुरू कर सकते हैं। इससे पहले करेंगे तो डेफिनेटली हो सकता है कि आप पहली बार इन्वेस्ट करें और आप प्रॉफिट भी निकाल लें। अब आपको लगेगा कि अरे मैं तो सीख गया, जबकि ऐसा नहीं है। आप पहले पढ़ाई कीजिए, उसके बाद प्रैक्टिस कीजिए और फिर उसके बाद फिर आप काम शुरू करें। प्रैक्टिस के लिए सभी जो ब्रोकर्स हैं उनके जो भी अकाउंट हैं उन सभी में डेमो अकाउंट नॉर्मली दिया ही होता है। डेमो अकाउंट का मतलब यही होता है कि आप उसमें जो मनी होती है, मतलब जो डेमो मनी होती है, उसका यूज करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। वो मनी जो है बिल्कुल रियल मनी की तरह काम करता है, आप उसको बढ़ते हुए भी देखेंगे, लेकिन आपके एटलीस्ट आपके पॉकेट से कुछ नहीं जाएगा, मतलब आपको लॉस नहीं होगा। आप बढ़िया तरीके से सीखेंगे और उसके बाद आप डेमो अकाउंट पर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता होगा कि किसी भी ट्रेड को कब शुरू करना है, मतलब उसमें कब एंट्री लेनी है, मतलब उसमें कब इन्वेस्ट करना है, उसको बाय करना है या सेल करना है। रिस्क मैनेजमेंट सीखने से आपको पहले ही पता होगा कि आपको ट्रेड कब रोकना है, कितना प्रॉफिट उठाना है या ज्यादा से ज्यादा कितना लॉस उठाना है। कई लोगों को ये पता ही नहीं होता कि उन्होंने इन्वेस्ट कब करना है और कब उसको रोक देना है। अगर उनको लॉस होता है तो मतलब वो देखते रहते हैं कि हो सकता है कि अब प्रॉफिट निकल आए, अब प्रॉफिट निकल आए, मतलब वो उस स्टेज तक देखते रहते हैं जब तक कि उनका पूरा पैसा खत्म नहीं होता, जबकि ऐसा नहीं है। रिस्क मैनेजमेंट में एक्चुअली होता ही ये है कि आप पहले से डिसाइड कर सकते हैं कि मैंने यहाँ पे इतना इन्वेस्ट किया है, मान लिया आपने 100 रुपये इन्वेस्ट किया तो मैक्सिमम 5 रुपये का लॉस अगर हो तो मैं ट्रेड रोक दूंगा, और कब और कितना इन्वेस्ट करना है। ऐसा नहीं है कि आपके पास 100 रुपये हैं तो आपने 100 के 100 रुपये इन्वेस्ट कर दिए, ऐसा भी नहीं होता है। मतलब कब और कितना इन्वेस्ट करना है ये भी आपके मतलब ट्रेनिंग का ही हिस्सा है, और उसके बाद फिर आप जब प्रैक्टिस करते हैं तो आप परफेक्ट हो जाते हैं। ट्रेनिंग में फिर जो भी ट्रेड के जो ग्राफ होते हैं उनको आप खुद से रीड कर पाएंगे, मतलब किसी की जरूरत नहीं होगी, खुद से रीड कर पाएंगे उन ग्राफ्स को। आपको पता रहेगा कि हाँ ये ग्राफ है इस तरीके से, काम ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, सेल सिग्नल कहाँ से बन रहा है, बाय सिग्नल कहाँ से बन रहा है, आपको खुद से पता होगा क्योंकि आप ग्राफ को लेकर बिल्कुल परफेक्ट हो चुके हैं। इंडिकेटर्स का आप बढ़िया तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे। इंडिकेटर्स ही हैं जो आपको ये बताते हैं कि आपने कब एंट्री करनी है, कब एग्जिट। मार्केट न्यूज होती हैं, उनको रीड करके आप खुद से अपने डिसीजन ले पाएंगे
मतलब इतना जवाब करेंगे तो आपको लॉस नहीं होगा। मतलब ऐसा नहीं होगा कि मतलब ये बोल देंगे कि मतलब अगर आप बिल्कुल इसको अनाड़ी मन के तरीके से अगर आप काम करेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि मतलब ये गैम्बलिंग है। गैम्बलिंग से मतलब जैसे क्रिकेट में होता है कि मान लिया विराट कोहली अभी सिक्स लगाएगा इस बॉल पे या नहीं लगाएगा, खुद विराट कोहली तक को नहीं पता तो आपको कैसे पता है, इसी को गैम्बलिंग बोलते हैं। मतलब आपने बिना कुछ सोचे समझे एक इन्वेस्टमेंट किया कि ये ट्रेड जो है या ये करेंसी पेयर जो है ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, आपने ग्राफ रीड नहीं किया, कोई टेक्निकल एनालिसिस आपने यूज नहीं किया, इसके बाद आपने चलिए इन्वेस्ट कर भी दिया कि इसको बाय करना या सेल करना, आपने इन्वेस्ट कर भी दिया, उसके बाद आपने उस पर रिस्क मैनेजमेंट अप्लाई नहीं किया कि अगर लॉस हो तो एटलीस्ट बस इससे ज्यादा लॉस ना हो। मतलब अगर आप बिना प्रैक्टिस के बिना ट्रेनिंग के अगर आप इन्वेस्ट करेंगे शेयर मार्केट में या फॉरेक्स मार्केट में तो डेफिनेटली वो एक जुआ है। लेकिन अगर आप बढ़िया तरीके से इसको प्रैक्टिस करते हैं, इसको सीखते हैं, थोड़ा टाइम लगाते हैं और उसके बाद आप इस पर काम शुरू करते हैं तो डेफिनेटली आपको ये प्रॉफिट जनरेट करके देगा। और अगर लॉस भी होता है तो लॉस एक लिमिटेड होगा। लिमिटेड से मतलब ये होता है कि ऐसा नहीं है कि आप पूरा का पूरा पैसा इसमें गंवा देंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर आप रूल्स आप फॉलो करेंगे, आप रिस्क मैनेजमेंट आप लगाएंगे, आप टेक्निकल एनालिसिस का यूज़ करेंगे, न्यूज़ मार्केट की न्यूज़ है जो उनको लेके अगर आप अलर्ट रहेंगे तो डेफिनेटली आपको लॉस नहीं होगा। उस टाइम ये गैम्बलिंग में नहीं आएगा, मतलब उस टाइम ये जुआ नहीं होगा, फिर आपके लिए बिजनेस होगा। अब बिजनेस की बात करें तो आप कोई भी बिजनेस ले लीजिए, बिजनेस में डेली आप कभी प्रॉफिट कभी लॉस, ऐसा तो नॉर्मल हर बिजनेस में चलता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने किसी बिजनेस में 100 रुपये लगाए तो 100 के 100 डूब जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये सिर्फ गैम्बलिंग तब है जब आप इसको बढ़िया तरीके से बिना ट्रेनिंग किए बिना प्रैक्टिस किए अगर आप फॉरेक्स मार्केट या स्टॉक मार्केट में काम शुरू कर देंगे तो डेफिनेटली ये गैम्बलिंग है। लेकिन आप इसको बढ़िया तरीके से सीखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो डेफिनेटली ये फिर ही आपके लिए बिजनेस है। मतलब फिर आप यहां से बढ़िया तरीके से कमा सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में लिख के जरूर बताइए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको हमारे सभी आने वाले वीडियोस मिलते रहे। धन्यवाद।